हेलो दोस्तों, मैं रमेश कुमार, गुप्ता ऑनलाइन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। हम मैथ में एस डी यादव बुक बता रहे थे। एस डी यादव बुक में हमने नंबर सिस्टम चैप्टर स्टार्ट किया था और उसका सारा थ्योरी बता दिया था। 1 से 10 तक क्वेश्चन भी बता दिए थे। आज 11 से लेकर 20 तक क्वेश्चन बताएंगे। 11 से लेकर 20 तक क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर ग्यारह क्या कह रहा है। 3 से गुना करके बनी 100 और 200 के बीच सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग। 100 और 200 के बीच जो कहता है, बीच सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग किसका, 3 का गुणज होना चाहिए। वह संख्या 3 का गुणज होना चाहिए। अब देखिए 100 और 200 के पहले ऐसी कौन सी संख्या होगी जो 3 का गुणज होगा। हम अगर शुरुआती में लेते हैं 102, ये 3 से कट जाएगी। 105, ये 3 से कट जाएगी, ठीक है। इसके बाद देखते हैं 198, ये लास्ट संख्या ऐसी है जो 3 से कट जाएगी पूरा। 3 से विभाजिता का नियम है, ये संख्याओं का योग जो है वो 3 के टेबल में आना चाहिए। इसका हमने क्लास पिछले वीडियो में दिया है। इसमें देखिए इतना का एडिशन पूछ रहा। सबसे पहले देखेंगे कि इसमें संख्याओं का अंतर क्या है। संख्याओं का अंतर 3 आ रहा है। यहां भी 8 होगा, अगर आगे बढ़ते हैं तो 8 होगा। यहां भी 3 आ रहा है गुणन। इसका मतलब है कि संख्याओं का अंतर जो है हमेशा 3 होगा। इसमें फॉर्मूला क्या कह रहा है, इसका योग कह रहा है, संख्याओं का योग कह रहा है। इसका फॉर्मूला देखिए ये होता है कि जब इस तरह का क्वेश्चन आता है कि लगातार किसी संख्याओं का जो है, जो 3 का गुणज हो, 4 का गुणज हो, इसमें अंतिम संख्या और प्रथम संख्या का अंतर करते हैं। अंतिम संख्या क्या है, 198 माइनस 102 बटे, ठीक है। इसमें संख्याओं का अंतर क्या दे रखा है, 3 दे रखा है +1। उसके बाद क्या करेंगे, इसमें गुना करेंगे प्रथम संख्या और अंतिम संख्या, इधर लीजिए या इधर लीजिए, 102 प्लस 198 बटा 2, ठीक है। इसका सॉल्यूशन करेंगे, इसमें घटाएंगे ये 6 आएगा, ये 9/3 +1, ये कैलकुलेशन आएगा, ये 300 आ जाएगा, 300 बटे 2 ये हो जाएगा 150, ये भी कट जाएगा, 3 9 3 2 6 ये हो जाएगा 33 गुना 150 होगा, ये 15 दिया 45, 5 हाथ में 4, 15 दिया 45 और 45 4 49 1 0 आ जाएगा। इसका आंसर ये है, ठीक है। ये 11वां क्वेश्चन हुआ। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है। प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग। क्वेश्चन नंबर 12 है प्रथम 20 प्राकृतिक विषम संख्याओं का योग कह रहा है। प्रथम 20 प्राकृतिक विषम संख्या, प्राकृतिक विषम संख्या बोल रहा है, विषम संख्या मेन ये विषम संख्या पूछ रहा है हमसे। प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग या 10 या 5 या कुछ भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग है, इसका फॉर्मूला होता है एन स्क्वायर, ठीक है। अब एन के स्थान पर ये हमारा मान आ जाएगा, ये हमारा 20 है एन, इसका मतलब है कि 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400 आ जाएगा, यही आंसर कल आएगा। 12वां क्वेश्चन में ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, ऑप्शन हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 13 होगा, ठीक है। क्वेश्चन 13 कह रहा है 3 से विभाजित होने वाली 3 प्राकृतिक संख्याओं का योग 72 है। 3 से विभाजित होने वाली 3 प्राकृतिक संख्याओं का योग 72 है। अगर योग 72 दे रखा है, 3 प्राकृतिक संख्याओं का योग 72 दे रखा है, इसका मतलब है कि योग 72 है। हम एवरेज निकाल सकते हैं मिडिल संख्या। एवरेज का फॉर्मूला होता है, पिछले वीडियो में बताए हुए हैं, एवरेज का फॉर्मूला होता है कुल योग बटे कुल संख्या। कुल योग कितना है, 72 बटे कुल संख्या आ जाएगा 3। अगर ये कट करते हैं 3 चौका 12, इसका मतलब है ये ऐसी संख्या है,
ऐसी संख्या है जो बीच में आती है, एवरेज, एवरेज आया बीच में, इसके बाद वाली संख्या और इसका प्रथम संख्या, ये मिडिल का संख्या आया है एवरेज। इसके बाद वाली ऐसी कौन संख्या होगी जो तीन से विभाजित होगी, तीन से विभाजित 25 नहीं होगा, 26 भी नहीं होगा, 27 ऐसी संख्या है जो तीन से विभाजित होगी। इससे पहले ऐसी कौन सी संख्या होगी जो तीन से विभाजित होगी, 21। अगर छोटी संख्या पूछता है तो 21 हमारा आंसर होगा, बड़ी संख्या पूछता है तो 27 आंसर होगा। इसमें देखिए बड़ी संख्या पूछ रहा है इसलिए आंसर हो जाएगा मेरा 27, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आइए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या कहता है। 101 क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, 101 प्लस 102 प्लस 103 200, इसका योग पूछ रहा है, 100 से लेकर के इतना का योग पूछ रहा है ये संख्या में। हम देखिए इससे पहले क्वेश्चन नंबर 11 बताए हुए थे या 10 या 11 क्वेश्चन बताए हुए थे आंसर इसका। इसका फॉर्मूला होता है किसी भी संख्या का योग अगर पूछता है लगातार संख्याओं का योग, ठीक है, तो इसमें फॉर्मूला होता है अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या बटे संख्याओं का अंतर। संख्याओं का अंतर कितना हो रहा है, एक एक बार हो रहा है संख्या अंतर, संख्याओं का अंतर प्लस 1 गुना प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। इसमें ये घटाएंगे, ये इसमें घटाने पे आएगा 99 और प्लस ये 1 आ जाएगा और गुने ये कितना आएगा 201 301 301 बाय 2 ये हो जाएगा 100 गुना 301 बाय 2 ये हो जाएगा 50। अगर ये गुना करते हैं 5 एकम 5 0 5 15 और 10 ये आएगा, ये आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आंसर दिया गया है इसका 14 का ऑप्शन होगा 15 0 50, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। पिछले क्वेश्चन में ये बताए हुए थे, क्वेश्चन नंबर 11 बताए हुए थे, अगर लगातार संख्याओं का योग पूछ रहा है तो हम ये फॉर्मूला ऐड कर सकते हैं, अंतिम संख्या यहां से लेंगे प्लस प्रथम संख्या। आइए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, क्या 15 में क्वेश्चन दे रखा है कि 9 16 25 प्लस 36 प्लस ~100। ये लगातार संख्या नहीं है लेकिन ये देख रहे हैं यहां पर कि ये किसी ना किसी का वर्ग है, ये हो जाएगा किसका वर्ग, ये 4 का वर्ग, ये हो जाएगा 5 का वर्ग, 6 का वर्ग प्लस 10 का। इसका मतलब है कि वर्ग का फॉर्मूला लगना चाहिए, वर्ग का फॉर्मूला होता है किसी भी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है लगातार संख्याओं के वर्गों का योग, जो है लगातार संख्याओं के वर्गों का योग का फॉर्मूला होता है यहां पे n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n+1 बाय 6, ये इसका फॉर्मूला होता है लगातार संख्या का। यहां पे लगातार संख्या नहीं है, यहां पे हमें लगातार संख्या ऐड करना पड़ेगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये ऐड करेंगे इसी फॉर्मूला में 10 तक निकाल लेंगे, लास्ट में हम इसे घटा लेंगे। इसका देखिए क्वेश्चन आंसर क्या होगा, अंतिम संख्या क्या है मेरा, ये n होगा, n क्या है 10 गुना n प्लस 1 11 10 गुना 20 21 बाय 6 होगा, 2 तिया 6 2 पंचे 10 3 सते 21 ये आ जाएगा, 7 पचे 35 गुना 11 कितना आएगा, 11 पचे 55 हाथ में 5 11 तिया 33 और 33 और 5 38 38 ये आएगा मेरा कितना टोटल का मान आया, ये 1 से लेकर 10 तक का वर्ग का योग पूछा है। लेकिन ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, यही तक का पूछ रहा है, इसका मतलब इतना घटाएंगे, क्या घटाएंगे, ये हम सॉल्यूशन करते हैं 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, इसका मतलब है टोटल 5 इसमें से घटाना पड़ेगा,
टोटल पांच अगर घटाते हैं तो 380 आंसर आता है, ठीक है। 380 इसका आंसर आएगा, 15 का ऑप्शन हो जाएगा बी, 380 आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए क्या बता रहे थे। क्वेश्चन नंबर 16 होगा 11 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, इसी तरह आगे बढ़ते गया है। क्वेश्चन ने बोला है 21 का स्क्वायर बताने के लिए, 21 तक का स्क्वायर बताना। इसका मतलब है संख्याओं के वर्गों का योग जो है उसका योग निकालना है। हम इसमें बता दिए थे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, आगे अगर बढ़ते जाते हैं 10 तक का स्क्वायर आते हैं, फिर इसके आगे 11 से ये पूछा है क्वेश्चन में, और 21 तक का स्क्वायर। इसका मतलब है कि हमने इससे पिछले वाले क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन में इसका फॉर्मूला पढ़ा था, n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाय सिक्स, ये फॉर्मूला होता है, इसी फॉर्मूला पे ये बनेगा। ये लगातार संख्याओं का, अगर यहां से लेकर यहां तक का पूछा है, हमें 1 से लेकर का 21 तक का निकालना पड़ेगा। 1 से लेकर 21 तक का निकालेंगे और लास्ट में क्या करेंगे, 1 से लेकर 10 तक घटा देंगे। लगातार संख्याओं का ये फॉर्मूला होगा, लगातार संख्या एन क्या होगा, यहाँ पे एन हो जाएगा मेरा 21 गुना, और 21 एक 22 गुना, 21 गुना 42 एक 43, फॉर्मूला पे जाएंगे और 26, और लास्ट में क्या करेंगे, ये 1 से लेकर 10 तक घटा लेंगे। 1 से लेकर 10 तक जो घटाएंगे इसका मान हमें याद है, पिछले क्वेश्चन में हमने इसका 385 आंसर रखा था, ये 385 जो है इसमें घटा लेंगे। ये काटिए, 2 दिया 6, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 3 सत्ते 21, ये कितना जाएगा, 7 गुने 11 गुने 43 और माइनस 385, इसका गुना कीजिए, 7 गुने 11 गुने 43, ये कुछ बड़ा गुना करिए, 33 और 11 आता है, इस दोनों का गुना करते हैं, 33 11 माइनस 385, 33 11 माइनस 385, ये घटाइए, 33 11 माइनस 385 इसमें आ जाएगा सर 29 और 26, आंसर आएगा 29 26, ये हमारा आंसर था आएगा, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, क्वेश्चन नंबर 17 है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डॉट 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 एक्स का स्क्वायर। इसमें फॉर्मूला ये लिखा हुआ है एक्स इंटू एक्स प्लस वन इंटू टू एक्स प्लस वन बाय सिक्स, इसी फॉर्मूला बनेगा। तो बताता है आंसर बताने के लिए 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट 19 का स्क्वायर, ये हमें दे रखा है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ये क्या क्या कह रहा है इसका, ये कह रहा है हमें विषम संख्या, इसमें से विषम संख्या छांट करके हमको दे रखा है और बोलता है इसका योग निकालने के लिए। देखिए इसमें एक फॉर्मूला होता है, वो हम लगातार सम संख्याओं के वर्गों का स्क्वायर निकाले थे, इसमें क्या है, इसमें है कि लगातार सम संख्या या विषम संख्या का, उसमें हम लगातार संख्या का स्क्वायर बताए थे, इसमें लगातार सम संख्या या विषम संख्या, देखिए लगातार सम या विषम, लगातार सम या विषम संख्या का योग, अगर लगातार सम संख्या या विषम संख्याओं का योग दे रखा है, जैसे यहां पे दे रखा है विषम संख्याओं का योग, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होगा यहां पे लिखते हैं एन इंटू एन प्लस वन इंटू इंटू हो जाएगा एन प्लस टू, एन प्लस टू बटे सिक्स, यह फॉर्मूला हो जाएगा, इसमें यही फॉर्मूला होगा, ठीक है। चलिए ये फॉर्मूला होगा इसका, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। देखिए इसमें क्या कहता है, लगातार विषम संख्या हो, इसमें सम संख्या हो या विषम संख्या हो, अगर लगातार सम संख्याओं का स्क्वायर का योग पूछ रहा है, लगातार सम संख्या के वर्गों का स्क्वायर पूछ रहा है, तो योग पूछ रहा है, तो यह फॉर्मूला बनेगा। देखिए जैसे क्या होगा, एन का मान 19 हो जाएगा और 20 हो जाएगा गुना एन प्लस टू, 19 दो 21 हो जाएगा,
बट्टे सिक्स आ जाएगा, इसमें काटिए तीन दुना छ, तीन सत्ते इक्कीस, दस आ जाएगा। ये क्या आएगा, उन्नीस सत्ते एक सौ तैतीस और ये जीरो आ जाएगा। ये आंसर हो जाएगा, कौन सा होगा आंसर, सत्रह का आंसर हो जाएगा, कितना है तेरह सौ तीस, ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा सत्रह का। चलिए क्वेश्चन नंबर अठारह आते हैं। अठारहवा क्वेश्चन कहता है दो प्राकृतिक क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का योग जो है तीन सौ चौरानवे हो रखा है। दो प्राकृतिक संख्या, दो प्राकृतिक विषम संख्या के वर्ग का स्क्वायर है। मान लेते हैं दो प्राकृतिक संख्या कुछ होगा विषम संख्या जिसके वर्गों का स्क्वायर जो है योगफल जो है वर्गों का योगफल जो है तीन सौ चौरानवे दे रखा है, तीन सौ चौरानवे दे रखा है। दो संख्या पूछ रहा है, दो संख्या पूछ रहा है, इसका मतलब है ये प्रथम, ये प्रथम संख्या होगा, ये सेकंड संख्या होगा, इसके बीच में ऐसी कोई संख्या होगी। अगर हम इसमें दो से भाग देते हैं, दो एकम दो, दो एकम दो यही काटते हैं, और दो नंबर अठारह, दो सत्ते चौदह, यानी ये ऐसी संख्या है जो इस दोनों संख्या के बीच का संख्या, यानी ये एक सौ संतानवे जो है बीच वाली संख्या आई है, एक सौ संतानवे में बीच वाली संख्या आई है। इसके आगे कौन ऐसी संख्या होगा जो वर्ग होगा, और इसके आगे कौन ऐसी संख्या होगा जो वर्ग होगा, लेकिन वर्ग किसका होगा, वर्ग होना चाहिए विषम संख्या का। क्वेश्चन दे रखा है दो प्राकृतिक विषम संख्याओं के वर्गों का स्क्वायर दे रखा है। अगर यहाँ तेरह का स्क्वायर हम देते हैं और यहाँ तेरह पंद्रह का स्क्वायर देते हैं, दो विषम आ गया, तेरह का स्क्वायर एक सौ उनहत्तर और यहाँ दो सौ पच्चीस। ये देखिए इन दो संख्याओं के बीच का ये संख्या आ रहा है, इन दो संख्याओं के बीच में ये हमारा संख्या 197 आ रहा है। इसका मतलब है कि लगातार जो संख्या होगा वर्ग होगा वह 13 और 15 होगा। इसमें कह रहा है उन संख्याओं का योगफल बताइए, यानी इस 13 का और इस 15 का योगफल बताने के लिए कह रहा है 13 और 28 हो जाएगा, यही हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर चार। ठीक है, चलिए ऑप्शन चार हो जाएगा। ये क्वेश्चन था 18, 18 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन 19 क्या कहता है, क्वेश्चन 19 कहता है क्यूब पे आ गया, एक का क्यूब दो का क्यूब लगातार संख्याओं का घन बोल रहा है, घन का क्वेश्चन आ गया है। एक का क्यूब प्लस दो का क्यूब प्लस तीन का क्यूब प्लस इसी प्रकार आगे बढ़ते गया रहा और दस का क्यूब पूछ रहा है। हमने लगातार संख्याओं का वर्ग, लगातार संख्याओं का योग बता दिए, लगातार संख्याओं के वर्गों का योग पर, लगातार सम संख्या और विषम संख्या के वर्गों का योग पर, अभी पूछ दिया गया है क्यूब का यानी घन का योग पर पूछ रहा है। घन के योग पर का फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला हो जाएगा क्या होगा, इसका फॉर्मूला जैसे लगातार संख्याओं का n इंटू एन प्लस वन बाय टू, इसका वर्ग हो जाएगा टोटल, इसका वर्ग, यह फॉर्मूला होगा। लगातार विषम संख्या, लगातार विषम संख्या नहीं, यानी लगातार संख्या होगा, ये विषम संख्या नहीं है, लगातार संख्या के मतलब क्यूब का योग हो जाएगा, यानी इसको घन बोल सकते हैं, घन बेसिस पे आ गया फॉर्मूला। इसमें देखिए क्या होगा, एन का मान क्या दे रखा है, एन का मान ये 10 है, इसमें 10 रखेंगे n का मान, 10 गुना 11 बटा 2 और इसका स्क्वायर फॉर्मूला में है 2 × 5 = 10, इसका मतलब है 55 का स्क्वायर। 55 का स्क्वायर क्या होगा, देखिए 55 का स्क्वायर होगा 5 × 25, 5 में 1 छोड़ेंगे जोड़ेंगे तो 5 × 1 = 6, 6 × 5 = 30, ये हो जाएगा इसका। ठीक है, ये गुना करने का ये है, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, इस 5 में 1 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा, 6 को 5, 5 का क्यूब 6 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब, इसी तरह डॉट डॉट जा रहा है, 10 का क्यूब बता रहा है, पूछ रहा है इसी तरह 10 तक का क्यूब। जैसे देखिए इससे पहले क्वेश्चन बताए थे फॉर्मूला, लगातार घन जो है, लगातार घन जो है उसके संख्याओं का योग बताने के लिए इसमें फॉर्मूला बताए हुए थे n इंटू एन प्लस वन बटे टू, यही फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो देखिए इसमें लगातार संख्या पूछ रहा है, यानी एक का क्यूब दो का क्यूब इसी तरह बढ़ते चले जाएंगे, चार का क्यूब
प्लस 5 का क्यूब, इसी तरह बढ़ते चले जाएंगे 10 तक का क्यूब। अभी हम इससे पहले क्वेश्चन में 1 से लेकर 10 तक का जो है घन का जो है हमने योग निकाला था। क्या निकाला था इससे पहले क्वेश्चन में, 1 से लेकर 10 तक का घन का योग निकाले थे इसी फॉर्मूला पे, 30 और 50 आया था, नहीं इससे पहले क्वेश्चन में आया था 30 और 25 आंसर आया, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, ये टोटल संख्याओं का योग हो गया, ठीक है। अब इसमें हम 1 से लेकर 5 तक का पूछ रहा है, 1 से लेकर 4 तक का घटाएंगे, इसमें माइनस करते हैं, जैसे n का मान ये अब मेरा 4 हो जाएगा, 4 गुना 5 बटे 2 का स्क्वायर, 2 गुना 4 का स्क्वायर यहां पर करना है, कितना हो जाएगा 5 गुना 10, 10 दहाई का 100, 100 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3025 में से ये कितना माइनस होगा 100, तो ये हो जाएगा 2925 हो जाएगा, 2925 मेरा आंसर होगा, इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। आज का क्लास यहीं तक, अगला क्लास